हे गाइस, वेलकम टू द सेशन। मेरा नाम है वीरेन सिंह, आप जुड़े हुए हैं ई लर्नम फॉर्मरली नोन एज स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। यहाँ पे क्रैश कोर्स चल रहा है ICMR JRF के लिए। तो बेसिकली ये जो है पार्ट सेकंड है, तो हमने कुछ डिस्कस किया। अगर इससे पहले वाले वीडियोस आपने नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा ग्रुप में, या टैग कर सकते हैं आप। बाकी मैं आपकी क्वेरीज़ को बिल्कुल सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले बायोकेमिस्ट्री के क्विक रिवीजन या क्रैश कोर्स के ऊपर, जहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो लेट मी टॉक अबाउट लाइक एमिनो एसिड्स, लाइक अमीनो एसिड जो हो जाते हैं यहाँ पे पाए जाते हैं आपके अकरेंस के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ आर ग्रुप। अगर हम बात करें तो देयर आर लाइक स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, लाइक देयर इज 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड यहाँ पे जो होते हैं, 22 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड पाए जाते हैं। उसके बाद नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड ग्रेटर दैन 500, ठीक है, कम से कम 500 से ज़्यादा नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड पाया जाता है भैया। इसके अलावा एलिफैटिक एरोमेटिक अमीनो एसिड के ऊपर बात करें तो एरोमेटिक अमीनो एसिड के ऊपर बात करें तो दिस इज वाइफ, ये जो है आपका वाइफ हो जाएगा। एलिफैटिक अमीनो एसिड में आपके कई अलग अलग हो जाते हैं, जैसे कि आपके ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन के बाद वैलिन है, एलेनिन है, आइसोल्यूसिन से दीज आर द एलिफैटिक वन। हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग के ऊपर बात करते हैं, जैसे सेरीन है, थ्रियोनिन है, सल्फर कंटेनिंग सिस्टीन है, आपके सिस्टीन है, मेथियोनिन है। सो दीज आर डिफरेंट अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्लासिफिकेशंस, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। अगर हम क्लासिफाई करें कि किसकी कितनी ज़रूरत हो रही है, सो दिस इज एसेंशियल अमीनो एसिड जो कि वेरी इंपॉर्टेंट LTLT है। ये आपके फर्स्ट लेटर वैलिन, आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन, आपके पी इज नॉट प्रोलिन, यहाँ पे देखना पी जो है वो प्रोलिन नहीं है, एंड टी यहाँ पे जो है आपके ध्यान देना, पी इज नॉट प्रोलिन एंड टी इज नॉट टायरोसिन, ये यहाँ पे नहीं पाया जाएगा। बाकी सारे के सारे अमीनो एसिड विद द फर्स्ट नेम, नॉट लेटर नहीं है यहाँ पे, जो कि नेम का पहला वर्ड जैसे वैलिन, आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन, उसके बाद फिनाइल एलेनिन, ल्यूसिन, उसके बाद थ्रियोनिन, उसके बाद लाइसिन एंड टायरोसिन, सॉरी आपके ट्रिप्टोफैन इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो हो जाते हैं दैट सेमी सेंसियल में आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन होता है, एंड नॉन एसेंशियल में AAA GGPCS ये सारा का सारा आ जाता है। AAA में मतलब एलेनिन है, स्पैराजिन, पार्टिक एसिड, ग्लाइसिन, ग्लूटामेट, ग्लूटामिक एसिड, उसके बाद प्रोलीन है, सिस्टीन है, सेरीन है एंड टायरोसिन, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं, किस में, रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। व्हेन यू टॉक अबाउट दिस नेचर वन नॉन पोलर एंड पोलर, नॉन पोलर में यही सारे एलिफैटिक एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग आ सकते हैं, पोलर में होगा तो चार्ज हो जाएगा। चार्ज के ऊपर जब हम बात करेंगे तो कुछ ऐसे हो जाएंगे जो कि पॉजिटिव चार्ज होंगे, जैसे कि बेसिक वन HRK बेसिक अमीनो एसिड्स आर देयर, नेगेटिव एसिडिक अमीनो एसिड्स आ गए। अनचार्ज में सिस्टीन, सेरीन, थ्रियोनिन, टायरोसिन, दीज आर द अनचार्ज्ड पोलर अमीनो एसिड्स। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ प्रिकर्सर क्लासीफाई करें तो दिस इज लाइक कीटोजेनिक। कीटोजेनिक जो होते हैं दे आर बेसिकली L दैट ल्यूसिन एंड लाइसिन, ये जो हो जाते हैं ल्यूसिन है और लाइसिन पाया जा रहा है। इन द केस ऑफ दिस पर्टिकुलर की आप ग्लूकोकीटोजेनिक, ये जो हो जाते हैं IP3T, ये IP3T में आइसोल्यूसिन हो गया, फिनाइल एलेनिन हो गए, ठीक है, उसके बाद टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड थ्रियोनिन, दीज आर द केसेस हियर, ये आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं। बाकी रेस्ट जो हैं वो आपके ग्लूकोजेनिक में आ जाएंगे, रेस्ट शुड बी द ग्लूकोजेनिक, रेस्ट जो है वो आपका ग्लूकोजेनिक हो जाता है। नाउ दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, बहुत सिंपल से स्ट्रक्चर है भैया, H लिखा तो ग्लाइसिन हो गया, CH3 कर दिया उसको तो आपका हो गया एलेनिन, CH3 में दो CH1 इधर इधर हटा दिया तो ये हो जाएगा आपका वैलिन, इसमें एक और CH2 जोड़ दिया यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका, दिस इज द ल्यूसिन, ये जो हो जाएगा ल्यूसिन हो गया। इसके बाद आपने क्या किया कि ल्यूसिन हो गया, दिस इज लाइक आइसोल्यूसिन के केसेस में क्या करना है कि ये वाला CH3 जो यहाँ पे प्रेजेंट था इसको उठा के यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ से उठा के यहाँ कर दिया तो ये हो गया आइसोपोजिशन पे आइसोल्यूसिन हो गया। तो इसी तरीके के केसेस जो होते हैं वो आपके चलते रहते हैं। अगर मेथियोनिन के ऊपर बात करते हैं तो मेथियोनिन में CH2 बीच में SCH3 आ गया, ये मेथियोनिन के स्ट्रक्चर होंगे। दीज आर द नॉन पोलर आर ग्रुप है, ठीक है, ये एलिफैटिक आर ग्रुप के साथ
साथ है। इसके बाद पोलर के ऊपर देखिए सेरीन है, सी एच टू ओ एच सेरीन हो गया। थ्रियोनिन में क्या हो गया, ये ओ एच है, यहाँ पे सी एच थ्री था, सिस्टीन जैसे ओ एच था सेरीन में, बस यहाँ पे एस एच हो जाता है सिस्टीन के केसेस में। प्रोलीन का केस, एक मंदिर बनाया, मंदिर में एक जगह पे एन पहनाया, ऊपर के ऊपर टोपी पे टोपी पहना दी। सीधा सा बात है, इस तरीके से मंदिर बनाओ और ऊपर से या एक जगह एन रखो, ऊपर से टोपी पहना दो, हो गया आपका। यहाँ पे एन एच हो गया, बाकी कार्बन हो जाएंगे, प्रोलीन हो गया। आर्जिनिन एस्पैराजिन सीधा था सी एस टू सी ओ एन एच टू, उसके बाद एस्पैरेटिक एसिड क्या हो जाएगा, सी एच टू के साथ सी ओ ओ एच हो जाएगा, ना कि सी ओ एन एच टू हो रहा था। ग्लूटामिन में सी एच टू सी ओ एन एच टू था, ग्लूटामेट में सी एच टू के साथ सी ओ एच हो जाएगा। इनमें बेसिक जो होते हैं सब सेम होता है, बस यही आपका ये वाला ग्रुप जो होता है अलग। एस्पैरेटेट में सी ओ एच होता है, एस्पैराजिन में सी ओ एन एच टू हो जाता है, ग्लूटामेट में सी ओ एच होता है, यहाँ पे सी ओ एन एच टू हो जाता है, विद द बैकबोन एक आपका कार्बन और बढ़ जाता है इस केसेस में। लाइसिन चार बार ये लिख लो, सी एस टू सी एस टू सी एस टू चार बार लिखा, एन एस टू लिख दिया, लाइसिन हो गया। आर्जिनिन में इसे तीन बार लिखो, बीच में एन एन एन, यहां पे क्या करना था आपको, ऐसे बन जाना था, ये है एन एन एन, बीच में सी से जोड़ दिया, ये है आपका आर्जिनिन। इसके बाद सिस्टीडिन भी उसी तरीके से मंदिर बनाना था, चुंडी की तरीके से, लेकिन यहां पे चुंडी इधर नहीं, इधर आएगा और मंदिर कुछ इस तरीके से बनेगा, बना के इसको जोड़ दीजिए, ये है एन, ये है एन, हो गया आपका ये सिस्टीडिन स्ट्रक्चर। इसके तरीके से फिनाइलएलानिन में मिथाइल बेंजीन है, मिथाइल बेंजीन से ओएच जोड़ दिया तो टायरोसिन हो गया, और इसके साथ साथ ये जो है आपका ट्रिप्टोफैन का स्ट्रक्चर हो गया। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स जो आपके साथ अगर आप लर्न करना चाहे तो चीजों को लर्न कर सकते हैं, इट इज वेरी सिंपल टू लर्न द स्ट्रक्चर्स, ये सारे के सारे चीजें पाई जाती हैं। नाउ इसके अलावा पेप्टाइड बॉन्ड के ऊपर जब हम बात करते हैं, तो पेप्टाइड बॉन्ड इट इज़ अ पोलराइज्ड इंडरगोनिक प्रोसेस, ऑलमोस्ट जो होते हैं इसमें 125 जो होता है बिकॉज प्लस किलो जूल पर मोल की एनर्जी जो होती है यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है। ये पोलराइज्ड होता है, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, इसके पास जो पाया जाता है अगर हम बात करें तो इट हैज़ द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसके पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज देयर इन दिस पर्टिकुलर पेप्टाइड बॉन्ड। प्लेनर पाया जाता है, अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो प्लेनर होगा। बॉन्ड लेंथ इसका जो होता है ऑलमोस्ट 1.3 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। ट्रांस और सिस का जो रेशियो होता है, दिस इज ट्रांस पोजीशन, जब ओ एच पोजीशन और एन एच पोजीशन जो है वो अपोजिट पाया जा रहा है। लेट मी जूम इट, अगर आप देखेंगे तो ये देखने की कोशिश करिए, अगर सी ओ एन एच का पोजीशन अपोजिट पाया जा रहा है, और इस पर्टिकुलर केस में देखिए ये ओ एच और एन एच का पोजीशन, सी ओ और एन एच का पोजीशन सेम साइड में है, दिस इज द सिस एंड ट्रांस, ये जो होता है इस तरीके से चलता रहता है। इस पर्टिकुलर केस में जो नॉर्मली दिस आर द केसेस जो आपके इन्वॉल्व हो रहे थे सिस और ट्रांस में, ट्रांस जो होता है दैट इज ट्रांस इज मोर स्टेबल, ट्रांस जो पाया जाता है मोर स्टेबल होता है, ठीक है, इसी वजह से ये 1000:1 का रेशियो जो होता है वो आपको पाया जाता है। लेकिन एक्सेप्ट प्रोलीन पेप्टाइड, प्रोलीन पेप्टाइड में जिस भी पेप्टाइड बॉन्ड को कंसीडर किया जा रहा है, मान लो सी ओ एन एच अगर कोई पेप्टाइड बॉन्ड है, इसके आसपास अगर कहीं पे ये प्रोलीन है, एक्स अगर प्रोलीन है, तो दिस शुड बी लाइक इस पर्टिकुलर बॉन्ड का जो रेशियो होगा वो 1:4 यानी नियरली इक्वल हो जाता है। कैसा हो जाता है, नियरली इक्वल हो जाता है इस पर्टिकुलर पेप्टाइड बॉन्ड में। बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है, जैसे आपको बताया गया, एंडरगोनिंग प्रोसेसेस होते हैं, ट्रांस इज मोर स्टेबल, कुछ कुछ की पॉइंट्स ICMR के हिसाब से ध्यान रखे रहिएगा, ट्रांस मोर स्टेबल होता है। यहाँ पे इट इज़ अ डीहाइड्रेशन प्रोसेस, कोई भी देखिएगा कि ये जो अमीनो एसिड 1 है, अमीनो एसिड 2 है, इसका OH जो OH है सी ओ का OH और अमीनो का H निकलता है, और यहाँ से OH और H लेके H2O, इसको बोलते हैं दिस इज लाइक डिहाइड्रेशन प्रोसेस, जिसमें कि वाटर रिमूव हो रहा है, ठीक है, वाटर रिमूव हो रहा है, तो वाटर रिमूव के प्रोसेस हो रहा है। OH निकल रहा है इसका, तो यानी इसके पास सिर्फ और सिर्फ CO बचेगा और इसका सिर्फ NH बचेगा, इसीलिए बॉन्ड हमेशा CONH का बनता है, दिस इज CONH, और बीच में जो होना है दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, और इसी के CC अल्फा से जो रिलेटेड बॉन्ड हो जाता है इसको बोलते हैं दैट साई, ठीक है, वो हो जाता है साई, और NC अल्फा के ऊपर जो बॉन्ड बनता है वो हो जाता है फाई, और इस पेप्टाइड बॉन्ड के ऊपर जो एंगल बनता है दैट इज नोन एज ओमेगा, इसी को हम बोलते हैं ओमेगा। व्हेन यू सी देयर, अगर आप देखेंगे, लेट मी जूम इट अगेन हियर,
तो देखिए कि सी सी ये जो है सी ओ है, ये है एन एच, इसके बीच में जो बॉन्ड पाया जा रहा है दिस इज ओमेगा, ये है ओमेगा, एंड एन सी अल्फा के बीच में फाई है और सी सी अल्फा के बीच में साई है। दीज आर द डाईहेड्रल एंगल्स, इनको क्या बोला जाता है, ये है डाईहेड्रल एंगल्स आपके पाए जाते हैं। यही पर्टिकुलर केस यहाँ पे बताया जा रहा था दैट ओ एच जो है यहाँ पे ओ एच बाइंड करता है इस पर्टिकुलर एच से, वो एच टू ओ जो होता है निकल जाता है डिहाइड्रेशन से और उसके बाद यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये COH ये वाला बॉन्ड जुड़ के इस पर्टिकुलर एन से जुड़ के यहां पे पेप्टाइड बॉन्ड बना लेता है। तो दीज आर द पेप्टाइड बॉन्ड केसेस जो आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं। इट इज एक्सर्गोनिक, इट इज एंडरगोनिक प्रोसेस, एनर्जी चाहिए और एनर्जी चाहिए तो इस तरीके से चीजें हो जाती हैं। सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ पर्टिकुलरली पेप्टाइड लाइक ग्लूटाथायोन इज देयर, ग्लूटाथायोन पाया जाता है, इसके साथ साथ एस्पारटेम पाया जाता है, ग्लूटाथायोन एस्पारटेम इज देयर, एंटीऑक्सीडेंट ट्राइपेप्टाइड गामा पेप्टाइड इस तरीके से पाया जा रहा है दैट ग्लूटाथायोन एंटीऑक्सीडेंट होता है, ट्राइपेप्टाइड होता है, गामा कार्बोक्सिलिक एसिड इन्वॉल्व होता है किसका, ग्लूटामेट का, एस्पारटेम जो होता है वो आपके पाए जाते हैं, एस्पारटेम जो है वो आर्टिफिशियल स्वीट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की तरह काम करता है, डाईमिथाइल एस्टर का काम करेगा। ठीक है, तो डाईमिथाइल एस्टर या नॉर्मली जो होते हैं ये चीजें चलती रहती हैं। सो दीज आर द लाइक पेप्टाइड बॉन्ड्स के ऊपर जब हम बात कर रहे थे तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। इसके अलावा रामाचंद्र प्लॉट जो था इसी कहते हैं कि फाई और साई के लिए पाया जाता है। रामाचंद्र प्लॉट जो होते हैं देज आर यूज फॉर द मेन चेन, लाइक मेन चेन के लिए होते हैं, दे आर यूज फॉर द मेन चेन के लिए होते हैं। इसके अलावा क्या बताते हैं, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर को बताते हैं। ये जो होते हैं अलाउड एंड डिसअलाउड रीजन पाया जाता है। अलाउड रीजन में जो होते हैं मिनिमम जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं, मिनिमम जो पाया जाता है वो आपके होते हैं प्रोलीन के लिए या मेथाइलेटेड अमीनो एसिड के लिए, या अगर हम बात करते हैं मेथाइल अमीनो एसिड्स के लिए, एसिटाइल अमीनो एसिड के लिए। एंड मैक्सिमम हो जाता है ये अलाउड एरिया, अलाउड में, दैट इज फॉर ग्लाइसिन, ग्लाइसिन के लिए पाया जाता है। सो दीज आर लाइक अगर आप देखेंगे तो ये कुछ अपर लोअर कॉन्सेप्ट है। ऊपर के हिस्से को अपर बोलेंगे, ये दोनों साइड अपर है भैया, नीचे के हिस्से को लोअर लोअर बोलेंगे, इधर के साइड का राइट है, इधर के साइड का राइट होगा, इधर के साइड का लेफ्ट होगा। तो अपर लेफ्ट में बीटा सीट पाया जा रहा है, अपर राइट में लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है, लोअर लेफ्ट में राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है। सो हियर यू कैन सी, हियर अगर आप देखेंगे तो लेट मी जूम इट, देखिएगा कि यहाँ पे जो है आपके पास अपर हिस्से में एंटी पैरेलल बीटा सीट्स है, पैरेलल बीटा सीट्स है, कोलेजन ट्रिपल हेलिक्स है, राइट ट्विस्टेड बीटा सीट्स है, देयर इज द अलाउड रीजन। ये जो कलर दिख रहे हैं दीज आर द अलाउड रीजन एंड रेस्ट वाइट पोर्शन इज डिस अलाउड रीजन, वाइट पोर्शन डिस अलाउड रीजन पाया जाता है। लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स यहाँ पाया जाता है, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स जो होता है यहाँ पे पाया जाता है। इनकी कुछ फाई और साई की वैल्यूज होती है, दिस इज साई, दिस इज फाई, साई और फाई डिग्रीज में होते हैं, वो रोटेट कर सकते हैं कई सारे, तो उनके कुछ वैल्यूज पाई जाती है। फॉर दिस पर्टिकुलरली एल एंड डी अमीनो एसिड अगर हम बात करें तो ध्यान देने की कोशिश करना कि एल और डी अमीनो एसिड का रामाचंद्र प्लॉट सिर्फ और सिर्फ एक डायगोनल इंटरचेंज से हो जाता है। यहां पे अगर इसको चेंज किया आपने डायगोनल इंटरचेंज तो ये चीजें हो जाएंगी, और इधर देखेंगे तो ये इधर चेंज हो जाएगा, पहले जो यहां पे था वो उठ के यहां पे आ गया और इधर का इधर हो गया, राइट लेफ्ट पहले यहां था तो इधर आ गया इस पर्टिकुलर केस में, और लेफ्ट राइट यहां था तो ये इधर चला गया। सो दीज आर द केसेस जो आपके चल रहे थे। तो एंटी पैरेलल बीटा सीट्स की जो फाई और साई की वैल्यू के ऊपर बात करते हैं, तो हियर यू कैन सी दैट दिस इज द फाई वैल्यू एंड दिस इज द साई वैल्यू, फाई माइनस 35 टू प्लस 135 डिग्री होते हैं ये सारे के सारे। इसके बाद पैरेलल का 119 से माइनस 113 पे आ जाता है, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स का माइनस 50 टू माइनस 47, लेफ्ट हैंडेड का प्लस 57 प्लस 47 एंड 310 हेलिक्स का ये वैल्यूज पाई जाती हैं। सो अगर आप देखेंगे तो बीटा सीट के जो वैल्यूज होते हैं वो दोनों हैं, मतलब बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये जो पाया जा रहा है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव पाया जा रहा है। इन द केस ऑफ दैट राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव है और लेफ्ट हैंडेड जो है पॉजिटिव है, तो देयर इज अ कोड दैट इज नोन एज आर एन एल पी, राइट हैंडेड नेगेटिव लेफ्ट हैंडेड पॉजिटिव, दोनों वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव होगी, वैल्यूज जो होंगे वो सेम होंगे, सिर्फ और सिर्फ साइन का अंतर हो जाता है। इसके अलावा प्रोटीन स्ट्रक्चर जो होते हैं अलग अलग टाइप्स के पाए जाते हैं, प्राइमरी है ओनली पेप्टाइड बॉन्ड होता है, सिंपल सिक्वेंसेज पाए जाते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड है, हेलिक्स सी टर्न ये सारी चीज़ें पाई जा रही हैं, हेलिक्स स्क्री वाइज लाइक आपके लेफ्ट राइट एटम वाइज हो सकते हैं,
3.613, 310, 518 ये सारी चीज़ें हैं। बीटा हेलिक्स, गामा हेलिक्स पाया जाता है सीट्स के ऊपर, अल्फा सीट, बीटा सीट, एंटी पैरेलल, पैरेलल सबसे कॉमन जो पाया जाता है इन दिस पर्टिकुलर केसेस। अगर हम बात करें तो सब जो सबसे कॉमन होता है वो हो जाता है आपका अल्फा हेलिक्स, ठीक है। अल्फा हेलिक्स जो होता है मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा इसमें बीटा सीट, बीटा में कौन होता है एंटी पैरेलल पाया जाता है सबसे कॉमन, बीटा टर्न जो होता है वो सबसे कॉमन हो जाता है। इसके बाद सुपर सेकेंडरी में सब मोटिव्स आर देयर, टर्सरी में आपके टर्सरी स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर होते हैं, डोमेन फंक्शनल हो जाते हैं, क्वार्टरनरी में होमोजीनियस या इस तरीके से स्ट्रक्चर हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ हेलिक्स के ऊपर जब हम बात करते हैं तो ओ मॉलिक्यूल ऑफ द एंथ जनरली क्या हो जाता है, ओ मॉलिक्यूल ऑफ द एंथ अमीनो एसिड बाइंड्स विद द हाइड्रोजन बॉन्ड विद द एन प्लस फोर्थ ऑफ NH, CONH जो बॉन्ड बनता है। देखिएगा कि ये पहला जो था यहाँ से किससे बाइंड कर रहा था, फिफ्थ वाले से, मतलब पहले से चार जोड़ोगे तो पांचवे वाले का NH जो है इसके O से बाइंड कर रहा है और ये बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। दिस वन अगेन यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो है इस पर्टिकुलर 3 से 7 आपके चार जोड़ के NH और O इस तरीके से पैरेलल टू द एक्सिस बॉन्ड बनता है। कभी भी कोई भी ये जो दो अमीनो एसिड के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस जिसको एक्सियल हाइट नॉर्मली बोलते हैं ये है आपका 0.5 एंगस्ट्रॉम। टोटल पिच वैल्यू जो है वो आपकी कितनी होती है पी वैल्यू, तो पी अपॉन डेल्टा जेड आपसे बता सकता है कितने अमीनो एसिड एक टर्म में हैं। तो जनरली ये हो जाता है, इसी से कैलकुलेट किया जाता है कि अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो सबसे मोस्ट कॉमन 3.613 जिसमें सी ओ एन पे और एन प्लस वन फोर पे और अल्फा एलिक्स बोला जाता है, 2.27 पे गामा हो जाता है, 310 पे बीटा है, 510 पे पाई, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा रेशियो के ऊपर जब हम बात करें तो पी बाई जेड जहाँ पे पिच वैल्यू डिवाइडेड बाई एक्सियल हाइट या एक्सियल जो बेस का हाइट वहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे थे। एंड देयर इज डिफरेंट डिफरेंट फेवर्ड अमीनो एसिड मालिक, यानी कि ये सिंगल लेटर कोड है, मेथियोनिन, एलिलिन, ल्यूसिन, एस्पार्टिक एसिड एंड लाइसिन जो है ये आपके पाए जाते हैं इसमें अल्फा हेलिक्स में, वाइफ दैट एरोमेटिक अमीनो एसिड जो है वो आपके बीटा सीट में, एंड पीजी जो है वो आपके बीटा टर्न में। इसका कोड आपको बता देता हूँ मैं कि मालिक घर का मालिक वाइफ है और ज़्यादा नखरे किए तो पीजी में जाके रहना पड़ेगा, दैट इज़ अल्फा फॉर मालिक, वाइफ फॉर बीटा, एंड दिस इज़ लाइक दैट बीवी के लिए वाइफ हो गया और पीजी में बीटा टर्न हो जाएगा, यू टर्न मार के आपको क्या करना पड़ेगा पीजी में जाके रहना पड़ेगा। दीज आर द सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। इसके अलावा बीटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में आपके पैरेलल एंटी पैरेलल थे जो आपको बताया गया था, व्हेन यू सी दैट पैरेलल वन लेस स्टेबल होता है, इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्लाइंड होते हैं। अगर हम बात करें एंटी पैरेलल में इसमें मोर स्टेबल होते हैं, मोर स्ट्रॉन्गर होता है, परपेंडिकुलर बाउंड होते हैं, टर्न जो बने होते हैं वो 4 to 5 अमीनो एसिड के बने होते हैं, मोर कॉमन होते हैं ग्लाइसिन टू प्रोलिन रिच पे आ जाता है, लूप मोर देन 10 अमीनो एसिड्स होते हैं, नॉट कॉमन इज देयर जनरली, एन एन टू एन प्लस थ्री में जो सबसे ज्यादा होता है इसी को हम बोलते हैं बीटा। देखिएगा एन से एन प्लस थ्री यहाँ पे सबका सब कॉमन जो है लिख दिया गया है, बट दिस शुड बी नॉट लाइक दैट। ये जो हो जाएगा लेट मी हियर कि अगर अल्फा के लिए तो n+4, बीटा के लिए तो n+3, एंड यहाँ पे जो है 2 हो जाएगा तो दिस इज गामा, यानी अगर n+2 है तो ये गामा है, ये है तो अल्फा है, ये है तो बीटा, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन बीटा पाया जाता है। ये 1 और 2 जो होते हैं इन्हीं के फाई इस तरफ जो होते हैं, फाई डिग्री होगा और साई होगा, फाई और साई मिलके ही क्या बताते हैं दैट दे डिसाइड द टाइप ऑफ बीटा टर्न। ये क्या करते हैं टाइप ऑफ बीटा टर्न को बताते हैं कि बीटा टर्न जनरली 4 अमीनो एसिड का बना होता है, A1 अगर हम इसको देखें तो A1, A2 एंड A3 एंड A4 4 अमीनो एसिड का बना होता है जिसमें A2 और A3 मिलके जो होते हैं डिसाइड करने का काम कर लेते हैं। इसके अलावा प्रोटीजोमल डिग्रेडेशन इन्वॉल्व होते हैं, प्रोटीन डिग्रेडेशन के ऊपर हम बात करते हैं, प्रोटीजोम को डिग्रेगेट करने के लिए 26S प्रोटीजोम की जरूरत पड़ जाती है, ये जो तो तोड़ने में काम आते हैं, 20S कैरीड आउट द प्रोटियोलिटिक कैटालिटिक एक्टिविटीज कंपोज्ड ऑफ 20S सब यूनिट्स एनकोडेड बाई 14 डिफरेंट जीन्स 7α 7β सब यूनिट्स इज देयर विच फॉर्म हाईली कंजर्व्ड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ 4 रिंग्स ईच कंटेन 7 यूनिट्स। कहने का मतलब है कि दो यूनिट्स होते हैं 26 के, एक 20S होता है और एक 19S होते हैं, वन इज लाइक 20S जो होते हैं ये 4 रिंग बने होते हैं, देखिए इस तरीके से एक बार इसका होता है अल्फा के साथ यूनिट, बीटा के साथ यूनिट, बीटा के साथ यूनिट, फिर अल्फा के साथ यूनिट, उसके बाद में ये जो लिड और बेस जुड़ जाते हैं दैट इज 19S रेगुलेटर। व्हेन यू सी द स्ट्रक्चर हियर लेट मी जूम इट, देखिएगा
कि देखिए अल्फा के साथ यूनिट ऐसे जुड़े 1 2 3 4 5 6 7, बीटा 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से कोर है और रेगुलेटर के तौर पे लिड ये जुड़ जाता है आगे और पीछे, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो होता है 26s प्रोटोजोम ऐसे बनता है। व्हेन यू सी द प्रोसेस, प्रोसेस कुछ इस तरीके से हो जाता है। देखिएगा कि सबसे पहले प्रोटीन जिसको डिग्रेड करना है उससे यूबीक्यूटिन टैग करिए, यूबीक्यूटिन प्रोटीन जो है प्रोटोजोम में ऐसे ऐड जाएगा, जाने के बाद सारे प्रोटीन जो है डिक्लाइंड होते हुए टूटते हुए चले जाएंगे। सो 90S प्रोटियोसोम जो होते हैं जो आपके रेगुलेटरी डोमेन की तरह काम करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं यूबीक्यूटिनेटेड प्रोटीन के लिए, इसमें जो होते हैं प्रोटियोसोम्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। प्रोटियोसोम्स इन्वॉल्व होंगे 26-1। यूबीक्यूटीन एक ऐसा अमीनो एसिड है, एक ऐसा पेप्टाइड है जो 76 अमीनो एसिड का बना होता है, ज्वाइन किया जाता है 3 एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस को मिला के, जिसमें E1 यूबीक्यूटिन E1, यूबीक्यूटिन E2 एंड यूबीक्यूटिन E3। E1 इज एक्टिवेटिंग एंड E1 इज लाइक एक्टिवेटिंग होते हैं, E2 जो हो जाता है वो आपके नॉर्मली कॉन्जुगेटिंग होते हैं, एंड लाइगेटिंग एंजाइम इज E3। ठीक है, तीनों के अलग अलग नाम होते हैं, एक्टिवेटिंग, कॉन्जुगेटिंग एंड लाइगेटिंग। सो E3 जिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, E3 सबसे इंपॉर्टेंट वन होता है जो कि आपके हेल्प करता है। कैसे करेगा, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे ये प्रोसेस को कैरी आउट करता है। जूम करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा E1 जो है, E1 के पास SH पाया जा रहा है, मतलब इसके पास सिस्टीन होता है। सिस्टीन पे ये क्या करेगा, ये कोई भी यूबीक्यूटीन है, ATP से AMP यानी दो ATP की एनर्जी यहाँ पे यूज हुई, इस यूबीक्यूटीन को अपने SH पे ले लिया क्या, E1 दैट इज एक्टिवेटिंग एंजाइम। उसके बाद E2 आता है, वो E1 को रिप्लेस कर देता है और खुद कॉन्जुगेट कर जाता है E2, एंड आफ्टर दैट E2 के पास यूबीक्यूटीन आ गया। अब E2 से E3 जो होता है टारगेट प्रोटीन पे डायरेक्ट भेजता है या अपने ऊपर लेके भेजता है, दो मैकेनिज्म्स होते हैं। अगर डायरेक्ट भेज देता है तो वो यूबीक्यूटिन कुछ इस तरीके से पॉलीयूबीक्यूटिनाइलेशन जोड़ देंगे और वो यूबीक्यूटिन, वो प्रोटीन जो है इस तरीके से प्रोटियोसोम में जाएगा और टूटता हुआ चला जाएगा। सो दीज आर द केसेस फॉर द यूबीक्यूटिनाइलेशन। इसके अलावा ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन के ऊपर डिफरेंसेस देख लेते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन में आपके मायोग्लोबिन पाया जाता है, मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है। मायोग्लोबिन मोनोमेरिक नॉन इलास्टरिक टर्शियरी स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन स्टोरेज, बाइंडिंग एफिनिटीज हाई, बाइंडिंग विद द 1O2 मॉलिक्यूल, RNT एब्सेंट, नो pH इफेक्ट, O2 डिसोसिएशन कर्व इज हाइपरबोलिक। ये जो होते हैं हाइपरबोलिक कर्व जो पाया जा रहा है, यानी कि ये जो है टर्शियरी स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन स्टोरेज के लिए पाया जाता है, बाइंडिंग एफिनिटी इसकी हाई हो जाती है। व्हेन यू टॉक अबाउट हीमोग्लोबिन, टेट्रामेरिक होता है, एलोस्टेरिक होता है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है, स्टोरेज नहीं होता है, ये चार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करता है, इसमें RNT स्टेट पाया जाता है, बोर्स इफेक्ट शो भी करता है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इसका सिग्मोइडल हो जाता है। राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट यहाँ पे केसेस जो होते हैं वो बनते रहते हैं कि कौन किस केसेस में चलेगा। सो हीमोग्लोबिन के ऊपर बात करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इज देयर, जैसे अल्फा बीटा चेंज, दो अल्फा दो बीटा का मिलकर बना होता है ये, अगर अलग अलग टाइप्स पाए जाते हैं, जिसमें अल्फा ग्लोबिन फैमिली में अल्फा जीटा 2 हो जाएगा तो HbF फीटस हीमोग्लोबिन है, जीटा 2 एंड एप्साइलन 2 हो जा रहा है तो दिस इज गोवर हीमोग्लोबिन। एडल्ट हीमोग्लोबिन में HbA1 HbA2 होता है, HbA1 अल्फा 2 बीटा 2 एंड HbA2 अल्फा 2 डेल्टा 2 का बना होता है, जो कि आपके यहां पे देख रहे होंगे। मोस्ट कॉमनली जो होते हैं एडल्ट में HbA1 यानी अल्फा 2 बीटा 2 पाया जाता है। इसके अलावा जो हीमोग्लोबिन होते हैं दो पार्ट के, हीम और ग्लोबिन के बने होते हैं। हीम जो होता है ऑक्सीजन या नाइट्रिक ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि जो डाई एटॉमिक गैसेस होते हैं उनसे बाइंड करते हैं, एंड ग्लोबिन जो होता है CO2H+ या BPG से बाइंड करता है, जो एज मॉड्यूलेटर काम करते हैं, यानी कि ये जो होते हैं उस सिग्मोइडल कर्व को राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट करने का काम करेंगे। अल्फा ग्लोबिन 144 अमीनो एसिड का बना होता है, 16 क्रोमोसोम पे पाया जाता है, जबकि बीटा ग्लोबिन जो होता है 146 अमीनो एसिड का बना होता है, 11th क्रोमोसोम पे पाया जाता है। सो दीज आर द केसेस जो आप यहां पे देख सकते हैं। ऑक्सी डीऑक्सी के केसेस में ऑक्सीजन से जब बाइंड रहेगा तो प्लेनर रहता है, ये रिलैक्स्ड रहता है, लेस आयनिक होता है, मोर एसिडिक होता है। डीऑक्सी से पकर्ड होता है, टेंस्ड होता है, ये मोर आयनिक हो जाता है, लेस एसिडिक हो जाता है इन द केस ऑफ डीऑक्सी या पकरिंग कंडीशंस में। जो हीमोग्लोबिन के केसेस में जब हम बात कर रहे थे तो ऑक्सीजन बाइंड करता था, हीम जो बाइंड करता था सबस्ट्रेट से और ग्लोबिन बाइंड करते थे इन सब से। यहाँ पे क्या है कि फैक्टर जो है H+ हो, टेम्परेचर हो, चाहे BPG हो, चाहे CO2 अफिनिटी को हमेशा कम करेंगे। कोड लगता है ड्रिल का कोड है, कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करिएगा कि ड्रिल क्या है। दिस इज लाइक ड्रिल के केसेस में जब बात करेंगे, दिस इज डी डिक्रीज करेगा तो राइट साइड में जाएगा, DR उसके बाद इंक्रीज करेगा तो लेफ्ट साइड में जाएगा, दिस इज ड्रिल। ये है आपका ड्रिल का केस, दैट इज ड्रिल कोड इज हियर, जो आप यूज कर सकते हो, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, तो यानी कि अगर ये डिक्रीज किया तो दिस विल मूव टू द राइट साइड DR, अगर ये इंक्रीज किया तो ये मूव करेगा लेफ्ट साइड में L। तो दिस
इज द ड्रिल, बाकी मर्जी है आपकी, कर्व किधर शिफ्ट करेगा। इसके बाद काइनेटिक्स के केसेस में जैसा आपको पता है सिग्मॉइडल कर्व हो जाता है भाई साहब के पास, और इसमें जो हिल्स कोफिशियंट की वैल्यू होती है वो होती है 2.1। जब आप डेरिवेट करोगे, यहाँ पे डेरिवेशन मैं कराऊंगा नहीं क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान देना सिग्मॉइडल कर्व वैल्यू है, दिस इज द P50 और एन की वैल्यू 2.8 आती है हिल्स कोफिशियंट की। इन द केस ऑफ मायोग्लोबिन इट इज 1, ठीक है। मायोग्लोबिन के केस में ये वैल्यू जो होता है स्लोप या एन की वैल्यू 1 होती है, एंड हीमोग्लोबिन के केस में ये वैल्यू 2.8 के बराबर हो जाती है। इसके अलावा जो हीमोग्लोबिन होते हैं वो दो मॉडल को फॉलो करते हैं, सिक्वेंशियल या टेंस्ड मॉडल या कंसर्टेड मॉडल। सिक्वेंशियल में एक एक यूनिट एक एक साथ होता है, ये स्क्वायर इज टेंस्ड, रिलैक्स्ड इज आपके सर्कल है, रिलैक्स्ड वाला ही ऑक्सीजन से बाइंडेड होगा। इन द सिक्वेंशियल मॉडल एक एक करके चेंज होगा, देखिए पहले आर फिर 2R फिर 3R, इस तरीके से आपके केसेस जो होते हैं वो चेंज हो रहे हैं। इसमें अगर देखेंगे तो दिस इज T4, दिस इज T3R2, ये जो है T3R है, ये है T2R2, और ये जो है आपके TR3 एंड टोटल R4 हो जा रहा है। इसके बीच में जो है ये तीन जो है हाइब्रिड स्टेट मिल रहे हैं, दिस थ्री आर द हाइब्रिड स्टेट जो आपके आपके सिक्वेंशियल में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे T4 है उसके बाद R4, सारे के सारे यूनिट इन द कंसर्टेड मॉडल एक साथ चेंज हो जा रहे हैं। ये जो है साइमल्टेनियसली जो है पूरा का पूरा चेंज हो जा रहा है, साइमल्टेनियसली हो जा रहा है, दैट मीन्स वी कैन से इट इज कंसर्टेड। यहाँ पे कोई भी हाइब्रिड नहीं मिलता, नो हाइब्रिड स्टेट इज देयर, जबकि इन द केस हियर दिस इज अ हाइब्रिड स्टेट अलाउड इन द सिक्वेंशियल वन, बट इन द केस हियर दिस नो हाइब्रिड स्टेट इज अलाउड इन द कंसर्टेड मॉडल। सो दीज आर द टू मॉडल्स जो कि फॉलो किए जाते हैं। कॉलेजन्स एंड फाइब्रस प्रोटीन में कॉलेजन, इलास्टिन एंड केराटिन सम फाइब्रस प्रोटीन्स आर देयर। कॉलेजन जो होते हैं ट्रोपोकॉलेजन के बने होते हैं, ट्रोपोकॉलेजन इज स्ट्रक्चरल यूनिट, ट्रिपल हेलिक्स पाया जाता है, 3-10 हेलिक्स होते हैं, इसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है ये आपके ग्लाइसिन प्रोलिन एक्स पाया जाता है। इन द केस ऑफ इलास्टिन ट्रोपो इलास्टिन होता है नॉन ग्लाइकोसाइड related, GAV is more common, केराटिन अल्फा बीटा दो अलग अलग टाइप के होते हैं, अल्फा टाइप 1 टाइप 2 का होता है, जिसमें GSG जो होता है मोर कॉमन पाया जाता है। होता क्या है देखने की कोशिश करिएगा कि विटामिन सी एक पर्टिकुलर विटामिन है जो चाहिए होता है कोलेजन के लिए, यानी हाइड्रोक्सीलेशन या हाइड्रोक्सीलेशन हाइड्रोक्सीप्रोलिन या हाइड्रोक्सीलाइसिन के लिए चाहिए होता है विटामिन सी। पेप्टाइड चेन पहले हाइड्रोक्सीलेशन करेगा, ग्लाइकोसाइलेशन ट्रोपोकोलेजन बनेगा, क्रॉस लिंकिंग करके कोलेजन फाइब्रिल बन जाएगा। इलास्टिन में क्या होता है कि वो डेस्मोसिन्स बना लेते हैं। इन द केस ऑफ केराटिन टाइप 1 टाइप 2 मिलके वो आपके प्रोटोफाइब्रिल और माइक्रोफाइब्रिल बना देते हैं। तो अल्टीमेटली इफ यू सी द डिफरेंसेस हियर, इन द केस ऑफ कोलेजन स्ट्रक्चरल यूनिट इज टू कोलेजन, इन द इलास्टिन ट्रोपो इलास्टिन केराटिन में प्रोटोफिलामेंट होता है। फंक्शनल यूनिट के ऊपर बात करते हैं, कोलेजन में कोलेजन है, इलास्टिन में डेस्मोसिन है, केराटिन में इंटरमीडिएट फिलामेंट है, हाइड्रोक्सीलेसिन जो होता है कोलेजन में येस, इलास्टिन में नो, केराटिन नो, हाइड्रोक्सीलेसिन प्रोलीन येस येस येस, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन अमीनो एसिड ग्लाइसिन एक्स वाई कोलेजन में होता है, ग्लाइसिन एंड आपके हाइड्रोक्सीप्रोलीन एंड हाइड्रोक्सीप्रोलीन और हाइड्रोक्सीलाइसिन इन्वॉल्व होता है। एंड इन द इलास्टिन दिस इज GAV एंड इन द केराटिन इट इज CGS, ये सारे के सारे सिंगल लेटर कोड है, मतलब G का मतलब ग्लाइसिन, एलिनिन वैलिन एंड CGS का मतलब सिस्टीन ग्लाइसिन एंड सेरीन। नाउ द सम एंजाइम्स आर देयर, जहाँ पे अब अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं। एंजाइम्स इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शंस, डिक्रीजेज द एक्टिवेशन एनर्जी, डज नॉट इफेक्ट द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता। क्लासिफिकेशन छह तरीके से होते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेजेस, दीज आर द डिफरेंट केसेज जो आपके यहाँ पे पाए जाते हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेजेस, लाइएजेस, आइसोमेरेजेस। ऑक्सीडो रिडक्टेज में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफरेज में ट्रांसफर ऑफ ग्रुप्स, हाइड्रोलेजेस में रिमूवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाटर, लाइएजेस में ब्रेक ऑफ द ट्रांसफर बॉन्ड्स, आइसोमेरेजेस में बॉन्ड रीअरेंजमेंट, लाइगेजेस में ज्वाइन विद द ATP। यहाँ पे देखिए एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता हुआ पाया जा रहा है, दैट ये जो है आपके विदाउट ई डेल्टा ई इसको इन्वॉल्व कर रहे थे। इसके अलावा एक्टिविटीज माइक्रोमोल पर सेकेंड इन द इंटरनेशनल यूनिट एंड मोल पर सेकेंड दैट इज कैटल, और स्पेसिफिक एक्टिविटी दैट एक्टिविटी डिवाइडेड बाय प्रोटीन इन MG, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। माइकलिस मेंशन इक्वेशन इसी तरीके से लिया गया था, हाइपरबोलिक था, हाइपरबोलिक ग्राफ ग्राफ में जो सबसे वैल्यू Vmax होती है, Vmax के आधे पे जो सब्सट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है वो Km है। Km इज द कंसेंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट एट विच दैट परमिट्स द एंजाइम टू अचीव हाफ ऑफ द मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी Vmax हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शंस की दैट मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है। Vmax इज इक्वल टू K2 इंटू ET, और यहाँ पे K2 ही एक्चुअली KCAT होता है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ माइकलिस मेंशन, Vmax इंटू S Km प्लस S, Km इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द अफिनिटी, अफिनिटी के इन्वर्सल प्रोपोर्शनल होता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट किया गया था, दैट इज वन LB प्लॉट। इस इक्वेशन को Vmax अपॉन Km फॉर उलट दोगे
तो एल बी प्लॉट हो जाएगा, जिसको कि रेसिप्रोकल प्लॉट बोलते हैं, 1/s 1/v। ये जाके यहाँ पे इस तरीके से चीज़ें होती है, चलती रहती हैं रेसिप्रोकल प्लॉट में। तीन पैरामीटर्स होते हैं, KM जो कि आपके कंसेंट्रेशन सब्सट्रेट, जो कि हाफ ऑफ द वी मैक्स होता है, वी मैक्स जो होता है मैक्सिमम रेट है, एंड के कैट इज द टर्न ओवर नंबर, जो कि आपके क्या होते हैं वी मैक्स बाई ई टी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द के कैट। के कैट का जो होता है ये फॉर्मूला आपका पाया जाता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं दैट हियर द रेगुलेटरी एंजाइम्स, रेगुलेटरी रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल जनरली जो होते हैं नॉन कोवेलेंट इन्वॉल्व करते हैं, माइकलिस मेंसन को फॉलो नहीं करते, सिग्मॉइडल को फॉलो करेंगे, एंड इरिवर्सिबल मेटल्स जो होते हैं वो यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। इनहिबिशंस के तौर पे कई अलग अलग इनहिबिशंस होते हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, ये अलग अलग हैं, अनकॉम्पिटिटिव, मिक्सड। कॉम्पिटिटिव में KM जो होता है बढ़ता है, Vmax कांस्टेंट रहता है। 1/KM एंड 1/Vmax रिस्पेक्टिवली उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, मतलब अगर KM बढ़ेगा तो 1/KM घटेगा। KM एंड Vmax माइकलिस मेंशन के लिए, 1/KM एंड 1/Vmax जो है LB प्लॉट के लिए। नॉन कॉम्पिटिटिव में जैसे कॉम्पिटिटिव में KM बढ़ रहा था, Vmax कांस्टेंट था, नॉन कॉम्पिटिटिव में KM कांस्टेंट होता, Vmax घटता है, अनकॉम्पिटिटिव में KM और Vmax दोनों घटते हैं, एंड मिक्स्ड वाले में आपके क्या हो जाता है कि मिक्स्ड वाले में KM बढ़ता है, क्योंकि ये मिक्स्ड वाला कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव का मिक्सचर होता है। तो कॉम्पिटिटिव में देखिए KM बढ़ रहा है और नॉन कॉम्पिटिटिव में Vmax घट रहा था, तो ये दोनों मिक्सचर हो जाएगा, KM बढ़ेगा और Vmax जो है वो घटना शुरू कर देगा। अगर एंजाइम के ऊपर जब हम बात करते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाता है। हर एक अल्फा फैक्टर की वैल्यू हर जगह हो जाती है, जहां पे जो बढ़ रहा है अल्फा की वैल्यू यहां पे इन्वॉल्व हो जाती है, दैट इज इनहिबिटरी फैक्टर। अल्फा का वैल्यू हो जाता है 1+I/KI। इसी को अगर KM बढ़ेगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, घटेगा तो डिवाइड। देखिए KM बढ़ रहा था, मल्टीप्लाई किया, Vmax घट रहा था, डिवाइड किया, दोनों घट रहे थे तो इस तरीके से डिवाइड कर दिया। कॉम्पिटेटिव में यहाँ पे कॉम्पिटिशन होगा, इनहिबिटर जो होता है वो आपके क्या होता है कि एक्टिव साइड से रिजेंबल करता है। नॉन कॉम्पिटेटिव में कोई भी कॉम्पिटिटिव नहीं होगा। अनकॉम्पिटेटिव में ये जो होते हैं कि जब एंजाइम बाइंड करेगा तभी ही बाइंड करेगा आपका इनहिबिटर। कॉम्पिटेटिव में ये यहाँ पे मिलता है पॉजिटिव पॉइंट पे, नॉन कॉम्पिटेटिव में मिलते हैं सारे के सारे जो होते हैं वो निगेटिव एक्सिस पे, और यहाँ पे पैरेलल मिल जाता है। कोड बताया गया था यूपी के नाना पाटेकर पीसी लेके आए। यूपी का मतलब है अनकॉम्पिटेटिव पैरेलल, नाना का मतलब है निगेटिव आपके एन निगेटिव एक्सिस पे नॉन कॉम्पिटेटिव, एंड पीसी का मतलब है पॉजिटिव जो है कॉम्पिटेटिव पॉजिटिव एक्सिस पे, ठीक है। सो दीज आर द केसेस जो आपके इन्वॉल्व हो गए थे। इस पर्टिकुलर केस को अगर ध्यान रखे रहेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। देयर आर सम विटामिंस, कई अलग अलग विटामिंस जो होते हैं वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। विटामिंस B1, B2, B3, B4, ये सारे अलग अलग विटामिंस है जो यूज होते हैं। इन दिस पर्टिकुलर विटामिंस अगर आप बात करें तो B1 थियामिन फॉर द डी कार्बोक्सिलेशन के लिए होते हैं, FADH2 फॉर द ऑक्सीडेशन रिडक्शंस, और इसके बाद जो है NADH दैट इज फॉर नियासिन B3 ऑक्सीडेशन रिडक्शंस, B5 कोएंजाइम A साइड ट्रांसफर, B6 पाइरोडॉक्सल फॉस्फेट, B7 बायोटीन कार्बोक्सिलेशंस, उसके बाद टेट्राहाइड्रोफोलेट वन ग्रुप ट्रांसफर्स एंड कोएंजाइम A। अगर इसमें मैं कुछ कुछ बताऊं, जैसे कि अगर देखिएगा तो ये देहात वाला कॉन्सेप्ट है, B1 देहात कार्बो, ये आपका है डी कार्बोक्सिलेशन, उसके बाद दैट हियर इज लाइक B2 जो कि FA है, ये है आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये है डी कार्बोक्सिलेशन, ये है डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। एंड इसके बाद है B3 दैट इज नियासिन, ये है A, दैट अगर हम बात करते हैं H, ये है प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन का आ गया। इसके बाद आ गया B5 में दिस इज लाइक A, ये H था, ये A था, A का मतलब है एसाइल ग्रुप, ठीक है। उसके बाद आ जाता है दिस इज B6, यहाँ पे T है ट्रांस अमिनेशन, ये जो हो जाएगा ट्रांस अमिनेशन के काम करेगा। नाउ उसके बाद है, ठीक है, देहात आपको याद रखना था, अगर देहात के बारे में B7 बायोटीन, ये है कार्बोक्सिलेशन करेंगे। उसके बाद B9 है वन कार्बन ग्रुप ट्रांसफर कर रहा था, वन कार्बन ग्रुप ट्रांसफर है। एंड देन आफ्टर दैट दिस इज B12 जो कि आपके इंट्रा मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट कर रहे थे, क्या कर रहे थे, इंट्रा मॉलिकुलर रीअरेंजमेंट कर रहे थे, ठीक है। तो दीज आर लाइक, ये है आपका, ठीक है। सो अगर आप बात करते हैं कि देहात जो थे, देहात कौर कि ये देहात COR अगर हम बात करें तो इस कोड को अगर याद करोगे रीअरेंजमेंट, तो पूरा का पूरा किस्सा हो जाएगा, ठीक है। सो देहात का जो डॉक्टर था वो आपका इन्वॉल्व हो गया था यहाँ पे, डॉक्टर मॉलिक्यूलर, लाइक ये है देहात का डॉक्टर, ठीक है। तो ये हो गया देहात का डॉक्टर। दीज आर द केसेस, ये आप इस तरीके से कर सकते हो कि देहात के जो हैं वो आपके
DEHAT ये इस तरीके से केसेस जो है इन्वॉल्व कर रहे थे. दिस इज COR, देहात का जो है कोरा कोरा धन जो है या कोरा कागज जो गाना बना था, देहात में कोरा कागज गाना बना था, तो ये याद कर सकते हो. दिस इज समथिंग लाइक देहात में कोरा कागज जो गाना बना था. ठीक है, चलो. तो ये जो है आपका इन्वॉल्व हो गया और इस तरीके से कोडेड कोड जो है याद रख सकते हैं. दीज आर द सम डिफिशियंसी डिजीजेस आई हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी. ये डिफिशियंसी डिजीजेस है. ई जो होता है क्रेजी चिक डिजीज करेगा. ई द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, न्यूट्रिशनल रोप फॉर दिस ए पिक पैलिग्रा, नियासिन, चिलोसिस, B2, ब्लैक टंग, B5, कर्ल्ड टो पैरालिसिस B2, पर्निशियस एनीमिया B12, गूस टेपिंग्स फॉर द B3 एंड B6 एंड पॉलीन्यूरिटिस B1. सो दीज आर द केसेस जो थे आपके इन्वॉल्व हो गए थे विटामिन एंड डिजीज के लिए. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस. मैंने काफ़ी कुछ कवर किया है, इन चीज़ों को ढंग से लर्न कर लीजिएगा, मे बी आपको हेल्प करेगा. थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Hey guys, my name is Viren Singh. If you want to crack CSIR, you just net with India's largest learning platform. So yes, we are here. I am the Virendra Singh and I teach CSIR Life Science on an academy platform. आप CSIR Life Science की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पे मेरे साथ और भी इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ, जहां पे आपको मिलता है अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर. सो अनअकैडमी के ऐप को इंस्टॉल करिए, लॉग इन करिए और वहां से अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को या तो प्लस या तो आइकॉनिक ले लीजिए, जिससे कि आपको क्या है कि बहुत सारे यूनिट्स, बहुत सारे एजुकेटर्स मिलके आपके सपने को पूरा कराएंगे. तो जी हाँ, चलिए मैं आपको बता देता हूँ मेरे बारे में कि इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको इसी के लिए जुड़ा हूँ. सो दिस इज मी, आई हैव एक्सपीरियंस लॉट्स ऑफ थिंग्स. सो उनमें से आई टीच CSIR लाइफ साइंस एंड मैं CSIR, DBT, GATE ये सब एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर चुका हूँ. आई एम द लीजेंड एजुकेटर इन दिस कैटेगरी इन द CSIR. माई PhD इज रनिंग फ्रॉम IIT BHU. आई वॉज द गोल्ड मेडलिस्ट इन द BTech एज वेल एज इन द MTech. I was known for the interesting explanation and I was known for the trick master too. So I have guided more than 1000 qualified candidates. So aap mere sath Unacademy pe judh ke CSIR ka sapna pura kar sakte hain. Saath hi mein Unacademy Plus aur Iconic do tarike ke subscription Unacademy leke aaya hai. Plus mein aapko milte hain live classes, weekly test, structured courses, unlimited access. Ye sari cheeze plus mein milti hain. In sab ke alawa Iconic mein कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती है, जैसे स्टडी प्लानर है, एक्सपर्ट गाइडलाइंस है, टेस्ट एनालिसिस एंड पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल कोच आपको मिलता है. एक बार अगर कॉम्पेरेटिव बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्लस में आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और शेड्यूल्स मिलता ही मिलता है. आइकॉनिक में इन सब के अलावा जो है आपको पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, बूस्टर सेशंस एंड पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग भी मिलता है. सो आप अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट. अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चूज करना चाहते हैं तो 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ के लिए अवेलेबल है, जबकि प्लस सब्सक्रिप्शन 3, 6, 12 और 24 मंथ के लिए अवेलेबल है. अगर आपको कोई भी फर्दर क्वेरी होती है CSIR के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड तो आप इस नंबर पर डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और कोड जो है वो यूज कर सकते हैं विरेन और विरेन लाइव टू गेट द डिस्काउंट. सो प्लस क्लासेस जो कि मेरे स्टार्ट होने वाले हैं, जिसके लिए मैं आपको इस वीडियो में जुड़ा हूं, तो माई प्लस क्लासेस जो है स्टार्ट हो रही हैं 4th of July से. जी हाँ, 4th of July से जो है मेरे प्लस क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं. तो जुड़िए इस 4th of July से दिसंबर बैच के लिए, जिसमें यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 अभी स्टार्ट हो रहा है 4th of July से 5:30 और 8:30 PM पे, जो कि आप देख सकते हैं. इनको एक्सेस करने के लिए आपको अगेन जाना पड़ेगा कहाँ पे, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, और सब्सक्राइब करने के बाद मेरी क्लासेस में जुड़ना पड़ेगा. इसके साथ ही मैं कई सारे स्पेशल क्लासेस भी लेता रहता हूँ, आप उसमें भी देख सकते हैं. ये स्पेशल क्लासेस पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, तो अनअकैडमी के ऐप पे मेरे साथ स्पेशल क्लासेस में जुड़ सकते हैं और फ्री एक्सेस कर सकते हैं कई सारे कंटेंट्स को. साथ ही में अनअकैडमी के ऑफर्स जो है वो लेके आए गए हैं, तो कई सारे ऑफर्स अनअकैडमी के चलते रहते हैं. तो दीज आर द अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस जिनके साथ आप जुड़ सकते हैं और क्रैक कर सकते हैं CSIR को. ठीक है, वॉन्ट टू ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम. अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं जो यहाँ पे मेंशन है, या टेलीग्राम चैनल पे जो है unacademy/Viren Singh के साथ जुड़ सकते हैं, या सिर्फ आप विरेन सिंह सर्च करेंगे तो भी आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा. तो इस टेलीग्राम चैनल पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. तो जुड़िए फॉर द नोट्स, फॉर द थिंग्स और फॉर द क्लासेस आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं फ्री क्लासेस स्पेशल में, प्लस जो 4 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है. तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट.